हजरतगंज की खास खबरों के बारे में बातचीत करेंगे, जहां पर समाजवादी अधिवक्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं कासगंज, जहां पर विधानसभा क्षेत्र के होने वाले 2022 के चुनावों को यात्रा को लेकर संकल्प यात्रा को लेकर पहुंचे हैं कासगंज। उत्तर प्रदेश में हर पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार यात्रा में जुट गए हैं, तो वहीं महादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी यात्रा पूरा प्रदेश में निकाल रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार एडवोकेट प्रदेश में संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। आज संकल्प यात्रा बदायूं के रास्ते कासगंज पहुंची। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने संकल्प यात्रा का जोरदार किया स्वागत। ये संविधान बचाओ संकल्प यात्रा हमारी 31 अगस्त और 2021 से शुरू हुई है। माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के आवास से शुरू हुई और पहला चरण मेरा 13 जनपद का था, उसको मैंने कंप्लीट किया। ये दूसरा चरण है जो कल सुबह कन्नौज से शुरू हुआ है और आज यहाँ इस समय हम लोग कासगंज में पहुँचे हैं और संविधान बचाओ संकल्प यात्रा के तहत लोगों को अधिवक्ताओं के साथ पूरी टीम के साथ अधिवक्ता वर्ग हमारे साथ निकल पड़ा है। पूरा प्रदेश का अधिवक्ता जुड़ रहा है और पूरी जागरूकता कर रहा है और हम लोग जागरूक करने के लिए वो समाज जो अभी भाजपा के लोभ लालच और भय में पड़ा हुआ है और जो अभी संविधान के प्रति जागरूक नहीं है उसको जागरूक करने के लिए हम निकले हैं। अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की, किस तरीके से तैयारी चल रही है समाजवादी पार्टी? इस समय पूरा प्रदेश अखिलेशमय हो रहा है। चारों तरफ जिधर जा रहा हूं उधर बस अखिलेश 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 की आवाज़ आ रही है। हर लोग कह रहे हैं फिर से मांग रहा है अखिलेश, पूरा प्रदेश मांग